नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों में। हम सबसे पहले बात करते हैं वृक्षारोपण के लिए निकाली गई जागरूकता रैली की। नगर में वृक्षारोपण जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी प्रमुख सचिव और जिला अधिकारी द्वारा दिखाई गई, जिसके बाद इस रैली को रवाना किया गया। रैली ने नगर भर का भ्रमण किया और किस तरीके से जागरूकता फैलाई, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 35 करोड़ बच्चों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नगर के क्रिश्चियन स्कूल से वृक्षारोपण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी प्रमुख सचिव पवन कुमार शर्मा, जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, उप जिला अधिकारी अवोदिता शर्मा के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी दिखाई गई। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बाद रैली की शुरुआत क्रिश्चियन स्कूल से होकर नगर भर का भ्रमण करते हुए वापस क्रिश्चियन मैदान पर वापस आकर क्रिश्चियन स्कूल पर जाकर समाप्त हुई। इतना ही नहीं, रैली द्वारा नगर में वृक्ष लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। जनपद में 20 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिनको लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने क्या कुछ बताया है, यह प्रदेश सरकार द्वारा 35 करोड़ वृक्षारोपण का इस वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। इस मेगा अभियान का जो है जन जागरूकता पैदा करने के लिए, जिसमें कल जो है बड़े स्तर पर जनपद के अंदर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। 30 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण का लक्ष्य है और इसके लोगों को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए कि वृक्षारोपण की आवश्यकता और इसके प्रति हरेक वर्ग का सहभागिता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्राओं के द्वारा यहाँ से ये रैली निकाली जा रही है, जिससे लोगों के अंदर वृक्षारोपण के प्रति वृक्षों की जो उपादेयता है उसमें सभी लोगों का, सभी वर्गों की सहभागिता हो सके, इसको जन जागरूकता के उद्देश्य से रैली निकाली जा रही है।